जी हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम दोस्तों। फ्री डिश डीटीएस चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ दोस्तों। आज एक और फ्रेश अपडेट, एक नई डिश टेकिंग अपडेट लेकर आया हूँ दोस्तों। डिश टेकिंग अपडेट है हमारा जो हजर स्पेस 45 डिग्री को मैं ट्रैक करने वाला हूँ आज दोस्तों। इसमें आपको पूरी, आपके सामने इस वीडियो में पूरी सेटअप मैंने आपको दिखाऊंगा कि 45 डिग्री को ट्रैक करने के लिए कौन सी टीपी आपको यूज़ करनी है और कौन सी टीपी बंद हो चुकी है। तो सारी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ दोस्तों। ये हमारा एक वन एंड ओनली चैनल है, हमारा एकमात्र चैनल है जिसमें आपको हर दिन आपको डिश ट्रैकिंग अपडेट दी जाती है, हर दिन आपको चैनल लिस्ट दी जाती है, हर सेटेलाइट की जानकारी आपको पता लग जाती है। इससे ये पता चलता है भी ये सेटेलाइट में फिलहाल ये चैनल चल रहे हैं और ये चैनल रिमूव हो चुके हैं, ये टीपी एक ऐड हो चुकी है, ये डिलीट हो चुकी है। तो इससे यही फायदा होता है कि दोस्तों आपको सभी चैनल की जानकारी पूरी प्रॉपर पता लग जाती है। ठीक है, तो आज की डेट में ये सेटेलाइट है, अगर ट्रैक करना है तो इसकी ये टीपी बंद हो चुकी है, तो ये दूसरी टीपी कौन सी है जिससे ट्रैक किया जाए। तो ऐसे ही सारी चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी हेल्प हो जाती है जिससे हम कोई भी सेटेलाइट ट्रैक आराम से कर पाएंगे। यही एकमात्र चैनल है दोस्तों। अगर ये आपको चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ उससे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक भी करना है दोस्तों, कमेंट भी प्यारा सा करना है, इन्फॉर्मेशन आपको देनी है कमेंट में। अगर कोई आपको, आपके पास कोई अपडेट है तो मुझे ज़रूर दीजिए, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा, थंबनेल में आपका नाम भी और लिखूंगा और दोस्तों वीडियो में भी आपका नाम दिया जाएगा क्योंकि जो आपने हमको इन्फॉर्मेशन दी है। ठीक है, तो ये एक मैं अपडेट आज मैं जो देने वाला हूँ वो है अदर स्पेस 45 डिग्री, दो पर डिश की जानकारी देने वाला हूँ दोस्तों। इसको आप अपनी डिश पर कैसे ट्रैक कर पाएंगे 45 डिग्री को, अदर स्पेस आज की डेट में इसकी कौन सी टीपी से इसको ट्रैक करना होगा, तो मैं आपको आज इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो साइड से मैं इसका एंगल आपको बता दूँ, साइड से एंगल से ये है, ये हमारा साइड वाला एंगल है। ठीक है, ये ऐसे रखना है, ये बिल्कुल ऐसे रखा हुआ है। तो जो हमारा डीडी फ्रिज का होता है उसका एंड ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, उसका फेस ऐसे होता है, ये हमारा 45 डिग्री है। तो ये तो एक होगी इसकी साइड एंगल। तो अब फ्रंट एंगल जो इसका है एल एन बी स्क्यू वो भी बताता हूँ दोस्तों। ये देखिए, ठीक है, ये रखना है, इसको ज़्यादा नहीं रखना, बस इसका 10 डिग्री तक इसको घुमाना है, ज़्यादा नहीं इसको घुमाना। ठीक है, तो बस इसके थोड़ा सा पास ही रखना है, ये देखिए। तो ये आप बात होगी हमारी स्क्यू की एंगल की, तो ये पीछे से बिल्कुल आपको जैसे लग रहा है दोस्तों इसका फेस कैसे रखना है, तो बिल्कुल ऐसे रखें क्योंकि अभी ये देख लीजिए फर्श गीला है, अभी बारिश होकर हटी है। तो ये देखिए, ठीक है, ज़मीन से इतना उठा है क्योंकि मेरा तो ये फटा लगा है जिसके कारण थोड़ा सा ऊपर है, नहीं तो ये थोड़ा और नीचे हो जाएगा। तो मैं इसका जो एंगल बताता हूँ आपको, ये देखिए इसका एंगल। ठीक है, ये हमारा डीडी फ्रिज है, ये हमारा 45 डिग्री है, इतना इसको इसकी मूवमेंट करनी है। ठीक, ये देख लीजिए। ओके, तो चलिए अभी मैं इसकी टीपी भी आपको दिखा देता हूँ। इसकी कोई भी टीपी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ दोस्तों, वो जो टीपी बंद है वो भी दिखाऊंगा, जिसमें मुझे सिग्नल मिल रहा है वो भी दिखाऊंगा। ये हमारे डीटीएच श्रीलंका की टीपी है जिसमें चैनल बंद हो चुके हैं, ये देखिए। ठीक है, तो ये अगर आप इस टीपी से ट्राई कर रहे हो तो बिल्कुल भी ट्राई ना करें क्योंकि इसमें सिग्नल नहीं आ रहा। ठीक है, ये 4 नंबर की टीपी भी देख लीजिए, 110-42 वाली। तो अगर आप इस टीपी से भी ट्राई कर रहे हो तो इसको भी छोड़ दीजिए क्योंकि इसमें भी सिग्नल नहीं मिल रहा। ठीक है, अब नंबर 30 पर आ रहे हैं, 115-10 वाली वर्टिकल। ठीक है, तो इसमें भी आपको ट्राई नहीं करनी है, इसमें भी आपको सिग्नल देखने को नहीं मिलेगा। है तो ये 45 की है, ये 27-600 वाली है, ये 45 की टीपी होती है। अब दूसरी टीपी पे आते हैं, तो ये हमारी टीपी है 110-42 वाली, ये देखिए मुझे 60 से ज़्यादा सिग्नल मिल रहा है। ठीक है, तो ये हॉरिजेंटल है इसका, वर्टिकल इसका जो रखना है, पोलराइजेशन इसका वर्टिकल है, सॉरी हॉरिजेंटल है। तो जो उसकी सिंबल रेट है वो बनता है 15,000 बनता है। और एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए, मेरी 2 नंबर की टीपी है 110-42, हॉरिजेंटल 15,000, ये 45 डिग्री है। ठीक है, पहली टीपी भी आप एक बार देख लो, तो पहली टीपी से भी मुझे कोई सिग्नल नहीं मिला। तो इसी टीपी से आपको ट्राई करना है दोस्तों। ठीक है, मैं आपको आज को बता रहा हूँ इस टीपी से इस सैटेलाइट को ट्राई करना है। ये देखिए, थोड़ा सा मैं और नज़दीक कर रहा हूँ ताकि आपको पता लग जाए। ठीक है, तो ऐसे ही इसको ट्रैक करना है, तो ये आराम से ट्रैक हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज मुझे इतना अच्छा सिग्नल मिल रहा है, तो मौसम भी अच्छा है और देखिए धूप भी निकली हुई है, आपको परछाई दिख रही है। ठीक है, ये देखिए। तो मेरे अच्छा मेरे कुछ मित्र मुझसे पूछ रहे थे भी 10 डिग्री है, 9 डिग्री है, 7 डिग्री है, 3 डिग्री है, 4 डिग्री वेस्ट है, उसकी डिश ट्रैकिंग अपडेट दो। तो मैं बताना चाहूँगा, ये देखिए मेरे
सामने एक घर बन चुका है, ठीक है। अभी ऊपर पता नहीं कितना बनेगा, पता नहीं बनेगा, लेकिन जितना भी बन गया, अभी मेरे वो जो 3 डिग्री है, 4 वेस्ट है, तो मैं बिल्कुल भी ट्राई नहीं कर पाऊंगा। पहले मैं बहुत प्रयास किया था, मुझे सिग्नल मिले थे, लेकिन अभी घर बन चुका है, तो उसकी अपडेट मैं शायद आपको ना दे पाऊँ। पीछे ये देखिए दीवार है, ठीक है, उधर भी सारा ब्लॉक है और यहाँ पर भी ब्लॉक है, तो चारों तरफ मैं इस सेंटर में घिरा हुआ हूँ, ताकि अब मैं छोटी सेटेलाइट की इंफॉर्मेशन थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, तो जो भी ट्रैक कर रहा हूँ उसकी अपडेट मैं आपको देता रहता हूँ, ठीक है। तो ये छोटी सी अपडेट, काम की अपडेट, अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी जरूर करें, ठीक है, अपने दोस्तों को, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अगर कोई इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपके पास है तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताना, मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगा, ताकि अपने दूसरे दोस्तों को भी इन्फॉर्मेशन दे सकूं। तो ये छोटी सी अपडेट अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो अगली वीडियो में हम आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।